यमन के हुती ने एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल करके इसराइल को ये दिखा दिया है कि भले ही वो उससे हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन वो एक झटके में इसराइल के तेल अवीव समेत कई शहरों पर कहर बरपा सकता है। और अब हुती के नेता सैयद अब्दुल मलिक अल हुती ने अपने संबोधन में एक ऐसा ही बयान दिया है जो सीधे सीधे इसराइल पर किसी बड़े हमले का संकेत हो सकता है। दरअसल अब्दुल मलिक ने अपने एक बयान में कहा है कि दुश्मन जमीन पर भी उसी तरह चंकित होंगे जैसे वे समुद्र में हुए थे, जब उनका सामना इतिहास में अभूतपूर्व नई तकनीकों से होगा। दरअसल मलिक ने अपने इस बयान में इशारा किया है कि हुती के पास अभी ऐसे ऐसे हथियार हैं जिसके बारे में इसराइल ने कभी सोचा नहीं होगा। मलिक ने अपने बयान में कहा है कि हम अरबों की निंदा करते हैं क्योंकि उन्होंने फिलिस्तीनियों की हत्या और भुखमरी के अपराधों, सम्मान के उल्लंघन, कुरान को जलाने और मस्जिदों को नष्ट करने जैसे अपराधों को चुपचाप देखते रहे और उन्होंने इस पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया। अब्दुल मलिक ने आगे कहा कि कुछ सरकारें दुश्मन को खुश करने के लिए काम करती हैं, साथ ही अपने राष्ट्र के खिलाफ साजिश रचने के बदले में उसे रियायतें देती हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और उसकी सुरक्षा चाहते हैं। दुश्मन उनकी सभी पेशकशों की सराहना किए बिना उन्हें छोड़ देगा। इन देशों की इजरायली दुश्मन के साथ सहयोग और वफादारी उजागर हो गई है, ये शर्मनाक है। आपको बता दें कि हुती के मुखिया ने अपने इसी बयान में आगे ये भी कहा कि इसराइल अपने दुश्मनों के बारे में स्पष्ट है और अब तकफीरियों का जिहाद कहाँ है, शहादत कहाँ है, इसराइल के खात्मे के लिए जिहाद का झंडा ही असली समाधान होगा, बिना जिहाद का झंडा उठाए इस समस्या का हल नहीं हो सकता। अल हुती ने आगे ये भी कहा कि फिलिस्तीनियों की दृढ़ निश्चयता ने इसराइल को विफल कर दिया है और इसराइल के गाजा में अत्याचार, अन्याय, क्रूर आक्रमण और नरसंहार के बावजूद इसराइल अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया है।